ये है सासाराम स्थित शेर शाह सूरी का ऐतिहासिक मकबरा और ये नज़ारा है उसी सासाराम के उन हिंसा प्रभावित इलाकों का जहां ठीक एक महीना पहले 30 मार्च को रामनवमी जुलूस के दौरान सांप्रदायिक तत्वों ने उत्तेजक नारे लगाए थे। और ये हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद, जिन्हें रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा फैलाने के आरोप में पुलिस ने शुक्रवार की रात लगभग 12 बजे लश्करीगंज मोहल्ला स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। 1989 में सासाराम में हुए दंगे में भी उन्हें आरोपी बनाया गया था। जवाहर प्रसाद सासाराम से 5 बार विधायक रह चुके हैं। पिछले चुनाव में वो RJD के राजेश कुमार गुप्ता से हार गए थे। रोहतास SP विनीत कुमार ने सासाराम हिंसा और उसमें जवाहर प्रसाद की भूमिका के बारे में मीडिया को विस्तार से बताया। दिनांक 30 मार्च 2023 को रामनवमी के उपरांत अगले दिन दिनांक 31 मार्च 2023 को सासाराम नगर थाना क्षेत्र में बढ़की हुई सांप्रदायिक उपद्रव के मामले में नगर थाना कांड संख्या 275/23 दर्ज किया गया था, जिसमें 41 नामजद और करीब 500 अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया गया। अब तक इस कांड में कुल 64 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, जिनमें 22 जो है नामजद यानी नेम्ड प्राथमिकी अभियुक्त हैं और 42 इसमें जो है अप्राथमिकी अभियुक्त हैं और 2 अभियुक्त जो है पुलिस की तरफ से माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किए हैं। वर्तमान में कुल 12 अभियुक्तों के विरुद्ध जो है माननीय न्यायालय से हम लोग को इश्तिहार प्राप्त है और 27 अभियुक्तों के विरुद्ध हम लोगों को गैर जमानतीय वारंट जो NBW है वो प्राप्त है। इसी क्रम में दिनांक 28 अप्रैल 2023 की रात्रि को माननीय न्यायालय से प्राप्त गैर जमानतीय वारंट का तामिला करते हुए जो कांड संख्या 275/23 सासाराम नगर थाना, इसके जो अप्राथमिकी अभियुक्त हैं जवाहर प्रसाद, पिताजी का नाम स्वर्गीय भुट्टी महतो, साकिन लश्करीगंज एवं शाहनवाज आलम उर्फ लखानी, इनके पिताजी का नाम है स्वर्गीय असीम नंदई, ये रहने वाले हैं मदार दरवाज़ा, दोनों सासाराम नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार करके 29 अप्रैल 2023 यानी आज इनको न्यायिक अपरीक्षा में भेजा गया। इसमें शिवनाथ चौधरी जी, सोनू सिन्हा जी, अरुण काश्यकर, रॉबिन केसरी जी और संतोष जो कि पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद जी के लड़के हैं, ये शामिल हुए थे। और निर्णय लिया गया जुलूस के दौरान घटित घटनाक्रम के आलोक में अगले दिन सुबह में एक विस्तृत मीटिंग उसी स्थान पर बुलाई जाएगी। इसके उपरांत दिनांक 31 मार्च 2023 को सुबह करीब 9:30 उसी स्थान पर एक बैठक आयोजित की गई, जिनको कुछ लोगों ने अटेंड किया, जिनमें माननीय पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद, पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद जी के लड़के संतोष, शिवनाथ चौधरी, सोनू सिन्हा, अरुण काश्यकर, रॉबिन केसरी के अलावा अन्य कई सारे लोग भी शामिल थे जो कि विभिन्न मोहल्लों के रहने वाले हैं। इस बैठक में विगत रात्रि को रामनवमी जुलूस के दौरान घटित घटना को लेकर एक समुदाय विशेष के विरुद्ध वैमनस्यपूर्ण और उत्तेजक बातें टिप्पणियां की गई और ये निर्णय लिया गया कि बैठक के सदस्यगण अपने अपने मोहल्ले में जाकर छोटी बैठकें करेंगे और एक समुदाय को लामबंद कर प्रतिक्रिया स्वरूप जो है गतिविधियाँ की जाएंगी। और इस बैठक की समाप्ति के कुछ घंटों के अंदर ही घटनाक्रम को सांप्रदायिक रूप देते हुए दुकानों को बंद कराना, पत्थरबाजी और हिंसक घटनाएं स्थानीय क्षेत्रों में घटित होने लगी। स्थानीय पुलिस प्रशासन के त्वरित हस्तक्षेप से स्थिति को कुछ घंटों में ही सामान्य नियंत्रित कर लिया। लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि सासाराम में हिंसा की साजिश नीतीश सरकार ने इसलिए रची ताकि वहां उनकी होने वाली जनसभा और कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाए। भाजपा ने कार्यक्रम रद्द भी कर दिया था। अत्यंत ही दुर्भाग्य के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि बिहार सरकार लगातार हम लोगों के कार्यक्रम के साथ स्वतलापन अपनाने का काम कर रहा है और हम लोगों को अब सम्राट अशोक जयंती जो सासाराम में हम कर रहे थे, क्योंकि वहाँ 144 सरकार ने लगा दिया है, हम उस कार्यक्रम को स्थगित कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत खुश होंगे कि भारतीय जनता पार्टी सासाराम में सम्राट अशोक की ऐतिहासिक जयंती समारोह नहीं मनाने जा रही। नीतीश कुमार ने पुलिस प्रशासन को और पुलिस प्रशासन के सहारे एक स्टेट मैनेज्ड एक दंगा भड़काया और इस दंगे की आग में आम जनता के साजो सामान जान माल की क्षति करवाई और वहां से हिंदू बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सम्राट अशोक की जयंती समारोह को रोकने के लिए नीतीश ने
आम जनता के जीवन को दांव पर लगा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 अप्रैल को नवादा जिले के हिसुआ में आयोजित एक जनसभा में खुद भी कहा था, माताओं भाइयों बहनों, आज मैं लोकसभा प्रवास के तहत नवादा आया हूं। इसके पहले सुबह में जो सासाराम जाना था, महान सम्राट अशोक की जन्म जयंती के निमित्त एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखा था, मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई, सासाराम में लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, टीयर गैस छूट रहे हैं, मैं वहां नहीं जा पाया। मैं सासाराम की जनता का यहीं से क्षमा मांगना चाहता हूं। ये वही अमित शाह हैं जिन्होंने कर्नाटक में जारी चुनावी मुहिम के दौरान कहा है कि अगर कांग्रेस वहां सत्ता में आई तो प्रदेश भर में दंगे होंगे। अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई, बहने मेरी बात खास सुने, कांग्रेस गलती में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टिकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। अमित शाह का भाषण वोटर को सांप्रदायिक आधार पर पोलराइज करने वाला है और सांप्रदायिक दंगा चुनाव जीतने का एक फंडा बन चुका है। पुलिस ने सासाराम हिंसा मामले में जवाहर प्रसाद के साथ मदार दरवाजा निवासी शाहनवाज आलम उर्फ लखानी को भी गिरफ्तार किया है। ये महज एक संदेश है कि दंगे की राजनीति में उलझने से सिवाय नुकसान के और कुछ हासिल नहीं। बिहार लोक संवाद के लिए सैयद जावेद हसन की रिपोर्ट, पटना।